गाइस, दिस इज़ नेहा। आज हम 6 ईयर बेबी गर्ल के लिए डिज़ाइनर चोली एंड लहंगा बनाएंगे। सो ये हमारी मेजरमेंट है, आप अपने अकॉर्डिंग चेंजेस कर सकते हैं। लहंगे के लिए मैंने यहाँ 2 मीटर कॉटन लाइनिंग का फैब्रिक और ये ब्रॉकेट पॉलिस्टर का फैब्रिक लिया है। मार्किंग मैं पहले कॉटन लाइनिंग में करूँगी। ये साइड हमारी ओपन है, दूसरी साइड हमारी क्लोज है। सो यहाँ हम हाफ सर्कल्स कट बना रहे हैं, इसके लिए हमें रेडियस चाहिए। तो रेडियस के लिए आपका जितना भी वेस्ट राउंड है आपको उस मेजरमेंट को 3.14 से डिवाइड करना है। सो यहाँ मेरी वेस्ट राउंड 25 इंच है, प्लस 5 इंच मैंने एक्स्ट्रा लिया है, उसे 3.14 से डिवाइड किया है तो हमारा आया है 9.5 इंच। अब हमें इस कॉर्नर से 9.5 इंच पर मार्क करना है दोनों तरफ। हमें कॉर्नर पे 9.5 इंच पे टेप को रखते हुए राउंड शेप ड्रॉ करना है। अब यहाँ से हम 28 इंच पे लेंथ मार्क करेंगे। तो यहाँ कॉर्नर से हमारा यहाँ टोटल पूरा 37.5 आएगा। आपको कॉर्नर पे टेप रखते हुए ये राउंड शेप ड्रॉ करना है और कट कर लेना है। सेम हम आउटर फैब्रिक में भी करेंगे। इसको भी मैंने 1 फोल्ड करके रखा है, इसके ऊपर मैं ये लाइनिंग फैब्रिक प्लेस करूँगी। आउटर फैब्रिक में हम बॉटम में 2 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे क्योंकि लाइनिंग की लेंथ हमारी लहंगे की आउटर फैब्रिक की लेंथ से कम होनी चाहिए। हमने कट कर लिया है, अब हम इसकी साइड स्टिच करेंगे। दोनों की राइट साइड साथ में रखेंगे और साइड से 1/2 इंच पे स्टिच कर देंगे। बाद में हमें यहाँ नीचे 1.5 इंच डबल फोल्ड करके फिनिशिंग करनी है। सेम लाइनिंग को भी हमने इसी तरीके से स्टिच कर लिया है। अब हमें लाइनिंग की रॉन्ग साइड या आउटर फैब्रिक के अंदर डालनी है। हमें दोनों की वेस्ट साथ में मिलाते हुए एज स्टिच करके सिक्योर कर लेना है। यहाँ मैंने 29 इंच लॉन्ग और 3.5 इंच वाइड ये बायस तिरछी बेल्ट कट की है। बेल्ट को साइड से हमें 1/2 इंच पे स्टिच कर लेना है। बेल्ट को हमने साइड से स्टिच कर लिया है, अब हम इसे लहंगे में अटैच करेंगे। यहाँ मैं बेल्ट को लहंगे के अंदर की साइड 1/2 इंच स्टिच करके बाहर की तरफ फोल्ड करके स्टिच करूँगी। आप इसे बाहर से भी पहले स्टिच करके फिर अंदर की तरफ फोल्ड कर सकते हैं। यहाँ मैंने 1/2 इंच पे अंदर की तरफ बेल्ट रख के स्टिच कर लिया है। अब हमें ऊपर एज में 1/2 इंच फोल्ड करना है, फिर उसी मार्जिन फैब्रिक को अंदर की तरफ करते हुए उसके ऊपर रखते हुए हमें पूरे में एज में स्टिच करना है। याद रखें आपको यहाँ पे 1 इंच छोड़ना है। यहाँ से हम बाद में अपना इलास्टिक पास करेंगे, ये इलास्टिक हमारा 1 इंच वाइड है। यहाँ वेस्ट हमारी 25 इंच थी, इलास्टिक हमने यहाँ 23 इंच का लिया है। यहाँ से हम अपना इलास्टिक पास करेंगे। अब आपको इलास्टिक में 3-4 टाइम्स स्टिच करना है। इसे क्लोज कर दें। यहाँ हम लटकन बनाएंगे, उसके लिए मैंने 4x4 इंच का ये स्क्वायर पीस लिया है। हमें इस तरीके से इसे फोल्ड करना है। यहाँ से हम इसे कर्व में कट करेंगे। मिड से हमें सर्कल को 1/2 कट करना है। यहाँ मैंने रेडीमेड गोल्डन डोरी ली है। हमें फैब्रिक के राइट साइड के मिड में इस डोरी को रखना है। टू इंच का डिस्टेंस छोड़ते हुए हमें दूसरी लटकन अटैच करनी है। सेम हम दूसरी साइड भी कर लेंगे। ये हमारा पॉलिस्टर ब्लेंड फैब्रिक है, सो मैं लटकन की एजेस को जला के फिनिश कर लूंगी। इससे जो हमारे थ्रेड हैं वो नहीं निकलेंगे। हमारा लहंगा बनके रेडी है, अब हम चोली बनाएंगे। चोली के लिए मैंने यहाँ 1/2 मीटर कॉटन लाइनिंग और 1 मीटर ये पॉलिस्टर ब्लेंड फैब्रिक लिया है। मार्किंग मैं सबसे पहले लाइनिंग में करूँगी।
इसे ऑलरेडी हमने एक बार फोल्ड करके रखा है, इसे एक और बार फोल्ड करें। ये हमारी ओपन साइड है, हमें इस बंद साइड से मार्किंग करनी है। यहाँ चोली की लेंथ मैंने 14 इंच रखी है, रेडी लेंथ हमारी 12 इंच आएगी। यहाँ शोल्डर विथ हमारी 11 इंच है, हम उसका हाफ लेंगे तो आएगा 5.5 इंच। यहाँ से हम आर्म होल के लिए डाउन जाएंगे, आर्म होल हमारा 11 इंच है, उसका हाफ लेंगे तो आएगा 5.5 इंच। यहाँ हमारी चेस्ट की मार्किंग आएगी, चेस्ट हमारी 28 इंच है, हमें उसको 4 से डिवाइड करना है तो आएगा 7 इंच। यहाँ वेस्ट हमारी 25 इंच है, उसको 4 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 6.25 इंच। यहाँ हम नीचे शोल्डर स्लोप के लिए हाफ इंच मार्क करेंगे। यहाँ नेक विड्थ हमें 3 इंच लेनी है, अब इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करेंगे। आर्म होल के लिए हमें इस लाइन का मिड पॉइंट मार्क करना है, मिड पॉइंट से नीचे हमें कर्व लाइन ड्रॉ करनी है। नेक डेप्थ हम यहाँ 3.5 इंच लेंगे। अब यहाँ साइड से हम 1 इंच मार्जिन लेके कट कर लेंगे। यहाँ हम वन शोल्डर चोली बना रहे हैं, हमें शोल्डर पॉइंट को नेक पॉइंट से कर्व ड्रॉ करते हुए आर्म पिट तक जॉइन करना है। आप फ्री हैंड भी ड्रॉ कर सकते हैं, मैं यहाँ फ्रेंच कर्व का यूज़ कर रही हूँ। ओपन साइड में स्ट्रैप अटैच करूंगी, इसके लिए हमें शोल्डर पॉइंट से नीचे स्ट्रेट लाइन पे एक पॉइंट मार्क करना है। यहाँ फैब्रिक को मैंने एक बार फोल्ड करके रखा है, सेम हम लाइनिंग फैब्रिक को इसके ऊपर प्लेस करके सेम कट कर लेंगे। यहाँ स्ट्रैप के लिए मैंने 14 इंच लॉन्ग एंड 2 इंच वाइड ये फैब्रिक कट किया है। मैं दोनों साइड के एजेस हाफ इंच अंदर फोल्ड करनी है, फिर इसे एक और बार फोल्ड करके बिल्कुल एज में स्टिच करना है। अब हमने शोल्डर पॉइंट से जो स्ट्रेट पॉइंट मार्क किया था उसके ऊपर हमें ये स्ट्रिप रखनी है, ये हमारी फैब्रिक के राइट साइड है। अब इसके ऊपर हम लाइनिंग रखेंगे, अब हाफ इंच पे स्टिच करेंगे। यहाँ नीचे वेस्ट में भी हाफ इंच पे स्टिच कर लें। सेम एक और पीस हम रेडी कर लेंगे। यहाँ नेक कर्व में हमें स्मॉल कट्स देने हैं, अब इसे साइड से सीधा करके इस पर एक बार आयरन कर लें। अब हम शोल्डर स्टिच करेंगे, आपको इस तरीके से शोल्डर स्टिच करना है। इसे हाफ इंच पे स्टिच करें। आप देख सकते हैं हमारी कितनी फिनिशिंग के साथ शोल्डर अटैच हुए हैं। चोली के लेफ्ट साइड हम ये जिपर अटैच करेंगे, उसके लिए हमें ये फोल्डेड जिपर टीथ को आयरन करके ओपन करना है। लो सेटिंग में आयरन करें, इससे बहुत इजी होता है जिप अटैच करना। यहाँ राइट साइड हम 1 इंच सीम अलाउंस छोड़ के स्टिच करेंगे पूरा, और लेफ्ट साइड हमें यहाँ सिर्फ 1.5 इंच तक स्टिच करना है।
हमें ज़िप की रॉन्ग साइड रखते हुए फर्स्ट एक साइड स्टिच करनी है। यहाँ ऊपर से हमें करीब 1 इंच तक ज़िप स्टिच करनी है। सिंगल जिपर फुट का यूज़ करें, हमें जिपर टीथ के बिल्कुल एज में स्टिच करना है। इस चीज़ का ध्यान रखें जिपर टीथ के ऊपर कोई स्टिच ना आए, तो जो हमारी जिप है वो ओपन नहीं होगी। एक साइड हमारी जिप अटैच हो चुकी है, सेम हमें दूसरी साइड भी करना है। अब जिप को धीरे से पुल करते हुए हमें नीचे लाना है। आप देख सकते हैं हमारी जिप बिल्कुल भी विजिबल नहीं हो रही है। अब जो ऊपर एक्स्ट्रा जिप है हम उसे कट कर लेंगे। यहाँ वेस्ट एज में मैं 1/2 इंच एक बार फोल्ड करके पूरे में तुरपाई कर लूँगी। इससे हमारी पूरी अच्छे से फिनिशिंग के साथ चोली तैयार होगी। यहाँ मैं फुल डबल लेयर अम्ब्रेला स्लीव बनाऊँगी, उसके लिए मैंने फर्स्ट पीस यहाँ 12x12 इंच का ये स्क्वायर पीस लिया है। इसे हमें इस तरीके से फोल्ड करना है। साइड हमारा आर्म होल रेडियस कट होगा, सो यहाँ रेडियस निकालने के लिए हमारा जितना भी आर्म होल राउंड है उसे हमें 6.28 से डिवाइड करना है। सो यहाँ हमारा आर्म होल राउंड 11 इंच है, उसे 6.28 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 1.7 इंच। सो हमें इस कॉर्नर से 1.7 इंच पे मार्क करना है। हमें टेप को 1.7 इंच पे रखते हुए इस तरीके से क्वार्टर सर्कल ड्रॉ करना है। आप एक और तरीके से सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं, जैसे यहाँ हमारा आर्म होल राउंड 11 इंच था, हम उसका फोर्थ पार्ट लेंगे तो आएगा 2.75। सो हम उतना मेजरमेंट लेके इस तरीके से टेप को रखते हुए भी कर्व ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ से हम 4 इंच पे लेंथ मार्क करेंगे। अब जितना भी हमारा टोटल लेंथ आया है हमें टेप को कॉर्नर पे रखते हुए इस तरीके से क्वार्टर सर्कल ड्रॉ करना है। स्मॉल सर्कल हमारा कट हो चुका है, अब हम बिग सर्कल कट करेंगे। इसके लिए मैंने यहाँ 16x16 इंच का ये स्क्वायर पीस लिया है। अब यहाँ कॉर्नर से हमें सेम 1.7 इंच मार्क करना है। आप डायरेक्ट उस स्मॉल सर्कल को रख के भी कट कर सकते हैं। यहाँ लेंथ हम 6 इंच लेंगे। अब हमारा जितना भी टोटल मेजरमेंट आया है हमें टेप को कॉर्नर पर रखते हुए सर्कल कट करना है। यहाँ दोनों सर्कल को मैं साथ में 1/4 इंच पे अटैच करूँगी। यहाँ एज में मैं पूरे में पीको करूँगी। आप बायस स्ट्रिप लेके भी फिनिशिंग कर सकते हैं।
यहाँ एज में मैंने जिगजैग स्टिच से फिनिशिंग दी है। आप देख सकते हैं कितनी फिनिशिंग के साथ ये चोली बनके तैयार हुई है। If you liked my video, please like and subscribe to my channel. Thanks for watching.